हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिनय और आप लोग देख रहे हो बिनय टेक। तो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ इंडियन बैंक का फिक्स डिपॉजिट रेट के बारे में फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2022। तो रिसेंटली इंडियन बैंक ने अपना फिक्स डिपॉजिट रेट जो है वो चेंज किया है। तो क्या है नया इंटरेस्ट रेट और क्या इंटरेस्ट रेट करेंटली प्रोवाइड कर रहा है इंडियन बैंक अपने कस्टमर को, मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं इंडियन बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट में और इधर ऊपर में आप लोग देख सकते हो बहुत सारा टैब मिल जाता है। तो यहाँ पे एक टैब होगा रेट करके, तो उसके ऊपर आप लोग को क्लिक करना है और इधर आप लोग देख सकते हो डिपॉजिट रेट, लेंडिंग रेट और सर्विस चार्जेस। तो यहाँ पे आप लोग को डिपॉजिट रेट के ऊपर क्लिक करना है और हम लोग आ चुके हैं इंडियन बैंक का डिपॉजिट रेट का वेब पेज में। तो आप लोग को नीचे स्क्रॉल करना है और इधर आप लोग देख सकते हो डिपॉजिट रेट रिवीजन ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन रिटेल टर्म डिपॉजिट विद इफेक्टिव फ्रॉम 19/12/2022 से इफेक्टिव है। पीरियड लेस देन 2 करोड़, एग्जिस्टिंग रिवाइज्ड और 7 से 14 डेज 2.80 सेम है, रिवाइज्ड में भी 15 से 29 डेज 2.80 दोनों केस में सेम है। 30 से 45 डेज 3% दोनों केस में सेम है। 46 से 90 डे 3.25 दोनों केस में सेम है। 91 से 120 डे 3.50 दोनों केस में सेम है। 121 से 180 डे 3.85 दोनों केस में सेम है। 181 से less than 9 months 4.50 दोनों केस में सेम है। 9 months to less than 1 year 4.75 दोनों केस में सेम है। 1 year का जो है 6.10, above 1 year to less than 2 year 6.30, 2 year to less than 3 year 6.50, 3 year to less than 5 year 6.40 पहले था और अभी जो है 6.25, 5 year का जो है 6.40 पहले था और अभी जो है 6.25, एवो 5 year का जो है 3.0 पहले था और अभी जो है 6.10। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इंटरेस्ट रेट जो है वो घटा दिया गया है इंडियन बैंक के द्वारा। ये जो था ये नॉर्मल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट था और सीनियर सिटीजन केस में 0.50% एक्स्ट्रा आप लोग को मिल जाएगा। तो ये था इंडियन बैंक का फिक्स डिपोजिट रेट के बारे में जो कि इफेक्टिव है फ्रॉम 19/12/2022 से। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है प्लीज टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिनय टेक। थैंक यू।